गाइस, वेलकम टू माय चैनल दोहा अरोमा। आज मैं आप लोग के साथ होममेड पकौड़ा मसाला रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको अगर आप इस रमज़ान में बनाकर रख लेते हैं तो आप किसी भी तरह के अगर पकौड़े बनाते हैं तो वो सुपर डिलीशियस बनते हैं, बल्कि रमज़ान के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने पकौड़ों को सुपर डिलीशियस बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में 50 ग्राम खड़ी धनिया जाएगी, 1 टीस्पून ज़ीरा, कुछ फ्यू कॉर्न्स ब्लैक पेपर के जाएंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून इसमें अनारदाना जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दें और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर लें। उसके बाद इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालें और उसको भी कम से कम 30 सेकेंड के लिए सबके साथ ड्राई रोस्ट करके गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसको ठंडा कर लें। अब मैंने इसको एक जार में निकाल लिया, इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ पीसे मसाले जाएंगे, जैसे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, दोनों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टीस्पून नमक जाएगा, नमक आप बाद में जब पकौड़े बनाए उसमें भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून इसमें हींग जाएगी, 1/3 टीस्पून इसमें जिंजर पाउडर जाएगा, अगर आपके पास लहसुन पाउडर है तो उसको भी डाल सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लें, 1/3 टीस्पून इसमें सोडा भी डाल दें, बेकिंग सोडा, सबको अच्छे से मिक्स कर लें। मैं ऊपर आई बटन पे हलवाई स्टाइल सीक्रेट दही भल्ला मसाला की रेसिपी भी डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रखें और कम से कम 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आपको पकौड़े बनाने हैं तो उसमें अपने जितने आपने बेसन लिया, फिर जैसे भी पकौड़े बनाने हैं क्वांटिटी के हिसाब से इसको 2-3 चम्मच डालिए और अपने पकौड़े को बिल्कुल डिलीशियस बना लीजिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।